नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में एक इमारत के बेसमेंट में जलभराव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव में मृत 3 विद्यार्थियों की मौत पर शोक जताया। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 बैठकों में भाग लिया। पहले नीति आयोग और दूसरी भाजपा शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक में वह शामिल हुए। रमेश ने कहा कि मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या एन बीरेन्द्र सिंह ने पीएम से अलग से मुलाकात की। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि क्या सीएम बीरेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसाग्रस्त मणिपुर की स्थिति बताई, साथ ही क्या मणिपुर आने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी पीडीए को और मजबूत करेगी। विधानसभा चुनाव में सपा नई रणनीति पर काम कर रही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने चाचा व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के नाम पर विचार न करने इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा। कुल मिलाकर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा उपचुनावों और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 22% दलित वोटरों पर पार्टी की नजर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कर्नाटक का हक कभी नहीं मारा। केंद्र सरकार को लेकर कर्नाटक सरकार काफी गलत जानकारी लोगों को दे रही। हमने 10 साल में कर्नाटक के विकास के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किए, जबकि यूपीए सरकार ने केवल 81,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था। गलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक को केंद्र सरकार ने काफी बजट दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार लोगों को गलत जानकारी दे रही है। बैठक केंद्रीय बजट पेश किए जाने के मद्देनजर हो रही, जिसमें विपक्ष ने केंद्र सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बैठक है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि पार्टी ने संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने भाजपा शासित राज्यों को अनुदान के तौर पर वित्तीय सहायता देने के लिए कहा, मगर जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो राज्य की बहुपक्षीय सहायता की जाएगी, मतलब कि हिमाचल को जो भी बजट मिलेगा उसे बतौर ऋण से चुकाना होगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित राज्यों को बजट देने में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2023 में भीषण बाढ़ का दंश झेलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार कई बार केंद्र से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुकी है। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक 27 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से बजट बनाया गया, नीति आयोग भी उसके अनुसार काम करेगा। बता दें कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई हैं। देश में तेलंगाना, झारखंड सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति भवन ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिभाउ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। इसी तरह जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, रमेन डेका को छत्तीसगढ़, सी एच विजय शंकर को मेघालय और सी पी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। वहीं झारखंड के राज्यपाल रहे सी पी राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे।
मायावती ने कहा है कि भाजपा में जारी घमासान व इनकी अंदरूनी लड़ाई सदन में भी हावी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जनता व प्रदेश के हित में कार्य हो तो बेहतर होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा की अंदरूनी दरार पर तंज कसते हुए कहा कि मानसून सत्र में इससे हावी नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने बाढ़ अतिक्रमण, बढ़ती महंगाई और लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी की। करण जौहर ने पिछले साल रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ निर्देशन की कुर्सी पर वापसी की थी। साल 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों से ही अपार प्यार मिला। आज फिल्म की रिलीज को एक साल हो गया, जिस पर करण जौहर ने खुशी जताई। इस पर गर्व महसूस करते हुए करण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा नोट लिखकर पूरी कास्ट और क्रू का आभार व्यक्त किया। एक साल की हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस पिछले साल मेरे पास आए अपार प्यार के लिए बहुत आभारी हूँ। यह फिल्म हिंदी सिनेमा का उत्सव भी थी और मैं इस फिल्म में अपने इतने प्रतिष्ठित कलाकारों और क्रू को पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।